हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। विभिन्न प्रकार के जो दाब होते हैं कोशिका में किस तरह से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है, वॉल प्रेशर है, टीपीटी है, ये क्या होते हैं और क्या इनमें रिलेशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं आज के हम लेसन में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था इम्बिबिशन और इससे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, परासरण दाब जो है वो क्या होता है, परासरण दाब और विलयन में विलय अणु की जो संख्या होती है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि विलयन में विलय अणुओं की संख्या को अगर हम बढ़ाएं, है ना, यानी जैसे हम मान ले कि एक सॉल्यूशन है उसमें मैं शुगर की सॉल्यूशन विलय जो मॉलिक्यूल है या शुगर जो है उसको जैसे जैसे बढ़ाऊँगी वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन से समझाना चाहूँगी कि वह दाब जो शुद्ध जल के यानी कि जो विलायक है सॉल्यूशन है वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित खोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक सेल ले लूँ, है ना, एक मैं सेल ले लूँ और एक सेल को किस में रख लूँ, शुद्ध जल में रख लूँ, और शुद्ध जल जो है एक सेल के अंदर शुद्ध जल का प्रवेश करने के लिए रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है ना, और जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो इन शुद्ध जल के विलायक के अणुओं को अंदर आने के लिए रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। वापस से देखना, वह दाब जो शुद्ध जल या विलायक जिसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर यानी कि सेल के अंदर प्रवेश करने से या फिर दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो विलयन में विलय अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अगर हम विलय सॉल्यूट जो है जो हम उसमें मिला रहे हैं, जैसे कि अगर मैं सॉल्यूशन लूँ, किशमिश ले लूँ और किशमिश के बाहर मैं शुगर सॉल्यूशन ले लूँ, तो जैसे जैसे शुगर सॉल्यूशन जो है शुगर के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाऊंगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा स्फीति दाब या जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और वॉल प्रेशर या जिसे हम भित्ति दाब कहते हैं। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है और वॉल प्रेशर क्या होता है, देखो टर्गर प्रेशर के लिए हम ये देख ले कि हमने इससे पहले हमने सेल पढ़ी थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ देखना आप, अगर मैं सेल को किस में रखूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूँ या अल्पराशरी विलयन में रखूँ, तो अल्पराशरी विलयन में रखने से क्या होगा कि जल के अणु जो है वो कोशिका के अंदर की ओर जाएंगे, है ना, कोशिका के अंदर की ओर जाएंगे, कोशिका जो है फूल जाएगी, कोशिका फूल जाएगी, फूलने के कारण बाहर की ओर भित्ति की ओर एक प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर ये प्रेशर जो होगा केंद्र से बाहर की ओर होगा, है ना, केंद्र से बाहर की ओर होगा, अपकेंद्री होगा, तो केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगेगा भित्ति की ओर, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ वापस से देखना, यहाँ पे मैं डायग्राम से ही बताऊंगी आपको, यह वही चीज़ है कि मैंने सेल जो है उसको एक वाटर में रख लिया, वाटर में रखने के बाद, है ना, वाटर में रखने के बाद क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाने के बाद ये सेल जो है फूल जाएगी। जैसे हम किशमिश ले लें, किशमिश को हम वाटर में रखें तो किशमिश फूल जाएगी, तो किशमिश फूलने के कारण जो किशमिश के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, भित्ति की ओर अपना प्रेशर लगाएंगे, भित्ति की ओर अपना प्रेशर लगाएंगे जिससे वो फूल जाएगी, फूली हुई होने के कारण अपकेंद्री बल लग रहा है भित्ति की ओर, है ना, इस तरह से अपकेंद्री बल लग रहा है भित्ति की ओर, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन से समझा, तो कोशिका भित्ति पर डाले जाने वाले अपकेंद्री यानी केंद्र से बाहर की ओर जो दाब लगता है हम उसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं या स्फीति दाब कहते हैं। कोशिका भित्ति टीपे के कारण कैसी रहेगी, टेंशन में रहती है, तनाव में रहती है, वह विपरीत दिशा में
अभिकेंद्री दिशा में टीपी के बराबर दाब लगता है, यानी कि सेल जो है वो स्वेलिंग हो गई है, पूरी तरह से फूल गई है, तो उसके ऊपर क्या होगा, तनाव हो जाएगा। ये सेल है, ये अपकेंद्री बल लगा है ना, ये अपकेंद्री बल लगा, इसके कारण टीपी जो है बढ़ गया। अब टर्गर प्रेशर के कारण है ना, टर्गर प्रेशर के कारण अब एक प्रेशर इसके बराबर लगेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं, और जो कैसा होता है, अभिकेंद्री होगा, केंद्र की ओर होगा। कोशिका भित्ति टर्गर प्रेशर के कारण तनाव में रहती है, टेंशन में रहती है, यानी कि वो तनी हुई रहती है, वह विपरीत दिशा में अभिकेंद्र दिशा में टीपी के बराबर दाब लगाती है ना। जो कोशिका भित्ति है वो क्या करेगी, टीपी के बराबर, जो हमने पहले अपकेंद्री बल जो लगा था, अपकेंद्री दाब लगा था, इसी के बराबर एक दाब और लगेगा जो कि टीपी के बराबर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर बोलते हैं। ये दाब कौन लगाता है, भित्ति लगाती है, बॉल लगाती है। ये अभिकेंद्री होता है, केंद्र की ओर होता है, जबकि टीपी जो होता है केंद्र से बाहर होता है, अपकेंद्री होता है। नेक्स्ट है विसरण दाब न्यूनता या DPD, या हम इसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या हम इसे DPD के नाम से भी जानते हैं। ये क्या चुनती, देखो जो शुद्ध जल होता है उसका DPD जो होता है वो सबसे उच्चतम होता है, ये कई बार पूछा हुआ भी है और इसी में ही रिलेशन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। शुद्ध जल का जो DPD होता है उच्चतम होता है, ये सबसे अधिक होता है। अब DPD जो होता है विलेय के समानुपाती होता है, विलेय यानी कि जो सॉल्यूट होते हैं उनके समानुपाती होता है, यानी कि हम विलेय जितना बढ़ाएंगे तो DPD भी जो है उतना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो कि ये क्या होता है, विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक है, इसी कारण इसको हम और नाम से भी जानते हैं, इसे हम सक्शन प्रेशर या चूषण दाब कहते हैं, कि जो विसरण दाब न्यूनता होती है वो जल को अवशोषण करती है ना, जितना अधिक जल का अवशोषण करती है तो इसी कारण हम इसे चूषण दाब भी कहते हैं। अब वापस से देखना DPD जो है वो क्या होता है, DPD क्या होता है, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये क्या होता है, शुद्ध विलायक की तुलना में डीपीडी का मतलब होता है, अगर जल में विलेय मिलाया जाए तो बनने वाला जो विलयन होगा उसका विसरण दाब शुद्ध जल की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अगर जैसे जैसे हम विलयन जो होगा शुद्ध जल के अंदर विलेय हम जितना ज़्यादा मिलाएंगे, वैसे ही जो शुद्ध जल होगा उसका DPD जो है वो घटता जाएगा है ना। विलेय जितना अधिक अर्थात विलयन अधिक सांद्र होगा तो विसरण दाब भी उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि हम जितना अधिक उसमें कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ में अगर हम जैसे वाटर है उसकी कंसंट्रेशन हमें बढ़ानी है तो हम उसमें क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे तब तक कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, और फिर कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो शुद्ध जल का DPD क्या होता है, उच्चतम होता है। अगर हमने शुद्ध जल में हमने विलेय मिला लिया, शुगर मिला ली, तो अब क्या हो जाएगा, इसका DPD डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो घट जाएगा है ना, डिफ्यूजन प्रेशर घट जाएगा, और डिफ्यूजन प्रेशर के घटने को ही हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट कहते हैं। वापस से देखना कि हमने एक वाटर लिया है ना, एक बिकर में वाटर ले लिया और उसमें मैं शुगर मिला रही हूँ, तो शुद्ध जल का जो होता है DPD क्या होता है, उच्चतम होता है। जैसे जैसे मैं उसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, कैसे बढ़ाऊँगी, या तो मैं शुगर जो घोल रही हूँ उसमें या नमक घोल रही हूँ, तब तक घोलूँगी तब तक कि वो उसमें घुलना अपने आप से बंद ना हो जाए। अगर घुलना जैसे बंद हो जाता है या जितनी मैं शुगर के मॉलिक्यूल उसमें ऐड करूँगी तो उतनी ही क्या हो जाएगी, DPD जो होगी, डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा उसका उतना ही धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे घटेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है उसे ही हमें क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। यहाँ देखना, इसीलिए मैंने बोला कि DPD जो है वो विलेय की मात्रा की प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हम जितना अधिक विलेय मिलाएंगे DPD भी उतना अधिक होगी। अब DPD जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
वह दाब होता है जो शुद्ध जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने के लिए रोकना होता है या रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और टर्गर प्रेशर अपकेंद्र से बाहर की ओर लगाने वाला जो बल होता है ना, टर्गर प्रेशर, उसी को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं या भित्ति दाब कहते हैं। अब अगर हम सिचुएशन ले है ना कि मैं एक प्लेसिड सेल के लिए लूँ, तो प्लेसिड सेल कब होगी, जब हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। प्रीवियस हम देखेंगे कि मैंने इसको किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या होगा कि सेल जो है वो प्लाज्मालाइज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी बिल्कुल। सिकुड़ने के कारण क्या होगा, अब सेल सिकुड़ गई, पानी अंदर का जो भी जल था वो भी बाहर निकल गया है ना। तो टर्गर प्रेशर, क्योंकि भित्ति के और कोई दाब लगेगा ही नहीं क्योंकि सेल पूरी पिचक गई है, तो भित्ति के और कोई दाब नहीं लगेगा, तो टर्गर प्रेशर कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखना, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो अब भित्ति दाब कोई लग ही नहीं रहा है क्योंकि सेल बिल्कुल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने के कारण सेल बिल्कुल क्या हो गई, पिचक गई, तो टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। वापस टारगेट सेल के लिए, जो सेल है वो फुली हुई है, यानी कि हमने इसको किस में रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, यानी कि अल्पराशि विलयन के अंदर रखा है। तो अल्पराशि विलयन के अंदर रखने के कारण जल जो है वो कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो ये सेल जो है जो वो फुल जाएगी, और फुलने के कारण टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर बढ़ने के साथ में ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी धीरे धीरे, जैसे जैसे डीपीडी जो है वो घट जाएगा। डीपीडी क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो डीपीडी था वो पहले कुछ और था, और जल के अणु मिलने के कारण डीपीडी जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि विलय मिल रहे हैं, तो डीपीडी एक समय ऐसा आएगा कि डीपीडी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब डीपीडी अगर ज़ीरो हो जाएगा, डीपीडी ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि विलय मिल रहा है ना, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आ कि इसमें घुल रहे हैं, तो विलय मिलने के कारण डीपीडी घटते बिल्कुल ज़ीरो हो गया। डीपीडी ज़ीरो हो जाएगा तो वापस से देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डीपीडी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, वापस से वही वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को अर्धपारगमी झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने के लिए रोकने के लिए आवश्यक होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और टर्गर प्रेशर अपकेंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है, भित्ति के द्वारा जो लगाया गया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ तक बच्चों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। कल हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जल विभव अवधारणा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।